तुम्हारी चिट्ठी है बेटी। शीला ने मसूरी से लिखी है माँ। अच्छा, क्या लिखा है? वहां किसी स्कूल में पढ़ा रही है, मीना भी वही है। लिखा है मुझे भी वहां नौकरी मिल सकती है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, पुरानी सहेलियों के साथ तुम्हारा दिल लगा रहेगा। खुशी में आज हमने पिकनिक प्रोग्राम रखा, सीधे वहीं चलते हैं। अभी आते ही, लेकिन प्रिंसिपल से भी तो मिलना है। वो सब कल हो जाएगा, चलो ना। चलो। और बता शीला, कैसी गुजर रही है आजकल? हमारी मत पूछो, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। अपनी कहो, तुम इतने दिन कहाँ रही? हम कई बार तुम्हारे घर गए, लेकिन हर बार तुम्हारा घर बंद ही मिला। निम्बो, तुमने इंजीनियर साहब को भी चिट्ठी नहीं लिखी? वो बेचारे तुमसे मिलने के शौक में कई बार आए और अपना सब मुंह लेकर वापस हो गए। अरे, वंडरफुल, देयर गोज अवर लंच। आई एम सॉरी शीलू। इट्स ऑलराइट, कम ऑन, लेट्स गो। दम निकला जा रहा है। सब मेरी वजह से। फिक्र मत करो, खाना तैयार हो रहा है। वो देखो। सुनो, जरा इधर तो आना। जी मैम साहब। तुम्हारे साहब कहाँ है? अरे अभी काम पर से नहीं आए। अजीब आदमी है, हम सबको खाने पर बुलाकर खुद गायब। जी पर मुझसे तो नहीं कहा कि मेहमान आने वाले हैं। ओ, भूल गए होंगे शायद। जी हाँ, आजकल साहब भूलने बहुत लगे है ना। खैर आप लोग बैठिए, मैं भी खाना तैयार करता हूँ। सर जल्दी, बहुत जोर की भूख लगी है। तो जो तैयार है मैं वही ले आता हूँ। जल्दी। देखा क्या बात है, देखे क्या खाने को आया है।